तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पैंट में सिंगल सिलाई से फिलाई कैसे तैयार करें। अगर दोस्तों आपको भी पैंट में एक सिलाई से फिलाई बनाना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिलाई से फिलाई बनाना सिखाऊँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आप फिलाई बनाना सीख जाओगे सिंगल सिलाई से। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फिलाई को इस प्रकार से अटैच कर लेना है अपने पैंट में। उसके बाद में ऊपर से दोस्तों आपको यहाँ पर जो है लपकी सिलाई लगा देने हैं फलाई के ऊपर। इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद में आपको धागे अच्छे तरीके से सफाई से बनाना है, धागे काटते जाना है साथ साथ में। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी एक चैन ले लेना है, चैन को इस प्रकार से रख देना है और चैन के ऊपर सिलाई लगा देना है आपको इस प्रकार से। आपको सिलाई लगा देना है चैन के ऊपर, फलाई के ऊपर चैन रख करके। उसके बाद में जितनी चौड़ी आपको फलाई बनाना है उतनी चौड़ी आप सिलाई लगा सकते हैं यहाँ पर। तो मुझे जितनी चौड़ी सिलाई लगाना है तो उतनी चौड़ी मैंने यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी है। और जहाँ पर आपको गोलाई लेना है वहाँ पर आप गोलाई ले सकते हैं, जितनी लंबाई फलाई की रखना चाहते हैं उतनी लंबाई आप रख सकते हैं। अब मैं गुलाई लेने वाला हूं, तो मैंने गुलाई लेना यहां पर स्टार्ट कर दी है फिलाई की। तो बड़े हिसाब से एक कांटा होता है लोहे का, उस कांटे को देख करके ही आप सिलाई लगाएं। चैन में एक कांटा आता है तो वो कांटा के ऊपर कहीं सुई ना आ जाए, इससे हमारी सुई टूट सकती है। तो मैंने बड़े आराम से यहाँ पर जो निकाल ली है सुई को और सिंगल सिलाई में यहाँ पर हमारी फिलाई बनकर तैयार होने वाली है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सिंगल सिलाई में फिलाई तैयार भी कर दी है। अब मैं इसमें फ्लैप जोड़ता हूँ। मैं आपको पूरी फिलाई बनाकर तैयारी करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ्लैप जोड़ दिया है। उसके बाद में दोस्तों आपको एक चाक ले लेना है और चाक की मदद से दोस्तों आपको निशान लगाना है फिलाई के बराबर में, बिल्कुल बराबर में लगाने के बाद में इस प्रकार से जहाँ पे हमारा चाक का निशान है वहीं पर रोकने के बाद में दूसरा पल्ला हम यहाँ से अटैच कर लेंगे अपना इस प्रकार से। और जहाँ से हमारी गुलाई ली हुई है वहीं से इस प्रकार से कट लगाएंगे, वहीं तक ये सिलाई हम लगा लेंगे फिर हम इस प्रकार से। उसके बाद में एक सिलाई और लगा लेंगे इसके ऊपर ताकि जो सिलाई हमारी मजबूती हो जाए फिलाई में, उधड़े ना बार बार। तो मैंने यहाँ पर डबल सिलाई लगा ली है। उसके बाद में अब दोस्तों आपको इस पल्ले को उस तरफ कर देना है और धागे को काटते जाना है इस प्रकार से। आपको दोनों पल्ले बराबर करना है इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको जो है पैर की सिलाई लगा देना है। और फिर पल्ले को अपने तरफ ही कर लेना है। उसके बाद में ऊपर आपको अब सिलाई लगाना है इसके। तो पहली सिलाई हम जो है लपकी लगाएंगे, उसके बाद में दूसरी एक सिलाई और घुमा के लेके आएंगे, वो पैर की लगाएंगे। तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से मजबूती से आपको पक्का कर लेना है। अब दूसरी सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे, वो पैर की सिलाई लगाएंगे। बड़े हिसाब से सिलाई लगानी है, ये सामने की सिलाई होती है, कोई गलत ना लगे इसलिए बड़े आराम से मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये फिलाई दिखती है बिल्कुल सामने हमारी पैंट में, इसलिए बिल्कुल आराम से साफ सिलाई लगाना है, फिनिशिंग में आपको बनाना है। तो यहाँ पर हमारी फिलाई जो बनकर तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं सिंगल सिलाई में इस प्रकार से फिलाई बनती है, एकदम मस्त फिनिशिंग में एकदम आई है हमारी फिलाई बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको सीधे पार से दिखा देता हूँ, देख सकते हैं कितनी मस्त ढाल आया एकदम सिलाई में, परफेक्ट तरीके से सिंगल सिलाई में हमने यहाँ पर फिलाई बनाकर आपको दिखा दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी प्रकार की सिलाई से रिलेटेड अपने इस चैनल पर वीडियो डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।